जफर हिलाली साहब, फहीम रहमान सहगल साहब का ये मानना है कि जब पाकिस्तान के लोग ही बेएतमादी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर बैरूनी दुनिया को आप किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं। आप टर्की में चले जाएं, आप दीगर ममालिक में चले जाएं, वज़ीर-ए-आज़म बज़ाते खुद भी जाएं, जाके उन्हें एतमाद दिलाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही एतमाद नहीं है हुक्मरानों के ऊपर, तो बैरूनी दुनिया को किस तरीके से होगा? पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर उससे ज्यादा बाहर के मुल्क के लोगों को नहीं है। इसलिए आपको तो उधर जाके लोन लेना है, वो नहीं देना चाहते आपको। हम सब इधर बैठ के कहते रहते हैं जर भाई पॉलिटिक्स को ठीक कर दो और आप इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे भाड़ में जाए तुम्हारे पॉलिटिक्स, तुम्हारी इकोनॉमी जो तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने चलाया है और दूसरे लोग भी उनके साथ मिल के चलाए हैं। ये मत समझे कि सब फैसले सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ने किए हैं और लोग भी इसमें मुलव्वस थे। आप फेल हो गए, हम आपको पैसे नहीं। देखिए आपकी रैंकिंग क्या है, आपको पता है सीसीसी है आपकी रैंकिंग। सीसीसी का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हैं। कौन देना चाहता है पैसे उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट पे हैं और रह चुके हैं 20-30 साल से? हमारी इकोनॉमी क्या प्रोग्रेस कर गई है? ये खुद ये साहब जो हैं आपको बता रहे हैं, सो ये देख आईटी सेक्टर में देखे 200 बिलियन किधर और 1 बिलियन किधर। भाई इन लोगों को नहीं आता चलाने, इसलिए अब लोग कहने लगे इलेक्शंस भी भूल जाओ। अब लोग कहने लगे हैं तुम ला के वो चेहरे दिखाओ जो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। और ये मत कहो कि अगर सियासतदानी कर सकते हैं या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बेशक हो जाए, फिर भी नहीं होने देंगे। इनके पास हुनर नहीं है, एबिलिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मान जाओ और फिर एक गवर्नमेंट बनाओ। राणा एहसान साहब, क्या हल है हुकूमत के पास सरमायाकारों को मनाने के लिए, इस आवाम को एतमाद में लेने के लिए, वो जो भूखे हैं जिन्हें कल का खदशा है कि शायद हम अपना पेट भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो अपनी आल औलाद या नस्लों का क्या सोचेंगे? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक मुश्किल फाइनेंशियल सूरत हाल से गुजर रहा है और जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एक डॉलर लिक्विडिटी का क्राइसिस है। लेकिन हुकूमत क्या कर सकती है उसको दुरुस्त करने के लिए? हुकूमत अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है। पहले चार महीनों के अंदर हुकूमत ने 47% करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया पिछले साल के बनिस्बत। दूसरा, देखिए जब हमारी हुकूमत आई तो एक डोल्ड्रम्स में थी ये डॉलर सिचुएशन कि आपका IMF से मुआहदा जो था वो खराब हो चुका था और वो आपके मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो हमने IMF के मुआहदे को बहाल किया। उसको बहाल करने के लिए हमने बहुत सारे मुश्किल फैसले लिए जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और अवाम पे बोझ पड़ा, लेकिन वो नागुजीर थे क्योंकि अगर हम ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। तो अभी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उनका जो 9th रिव्यू है वी आर प्रिटी श्योर कि वो जनवरी एंड में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो एहसान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, ये रिव्यू होगा या रिन्यू होगा? हमारे वजीर खजाना तो रिन्यू की बातें कर रहे हैं, रिव्यू की बातें नहीं कर रहे। नहीं, ये क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं ना, तो जो ये जो 9th रिव्यू है ये पहले क्वार्टर का बेसिकली रिव्यू है, जो मुकम्मल होने पर हमें एक ट्रांच भी मिलेगी और ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होगा। तो इसके अंदर देखें, हमें दरमियान में फ्लड्स ने हिट किया तो उसने भी हमारा जो फिस्कल हम डिसिप्लिन एक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसको तबाही लगा दी थी पिछली हुकूमत ने कि सिर्फ पिछले साल एक फाइनेंशियल ईयर में 5500 अरब का फिस्कल डेफिसिट इन्होंने किया और 25000 अरब के कर्जे लिए जो कि पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे थे। तो जब आप मुल्क को अंदर से खोखला करेंगे और 6% की ग्रोथ पे आप छलांगे लगाएंगे लेकिन मुल्क खोखला हो जाएगा के खसारे और कर्जों के अंदर डुबा देंगे, तो जाहिर सी बात है। और 43 बिलियन डॉलर्स के आपने कर्जे चढ़ाए, आपने जो है फॉरेन एक्सटर्नल कर्जे चढ़ाए, तो डेफिनेटली हम हुकूमत हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जिससे हम इस क्राइसिस से निकले और हम निकल आएंगे। देर इज नो
तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंशाल्लाह ताला चाइना जो है वो हमारी फाइनेंसिंग कर रहा है, सऊदीया फाइनेंसिंग कर रहा है, और जितनी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए और हमारी जो डेट रीपेमेंट है उसको कवर करने के लिए वो इन लाइन है। तो ये आने वाले हफ्तों में दिनों में आपको जब ये अभी एडीबी की $500 मिलियन प्लस की इनफ्लो आई है, तो ये जब इन्फ्लोज आएंगी आपके आने वाले दिनों में तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आरजी तौर पे हम इससे एग्री करते हैं कि हमें इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ी है, जिसमें हमने पूरी तरजीह दी है कि एक्सपोर्टर्स हर्ट ना हो, लेकिन अगर कहीं हर्ट हो रहे हैं वहां हमें पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है। पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन कब तक की जाएगी ये भी एक सवाल है, इस बारे में मजीद बात करेंगे। आलिया साहब कर रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। और दूसरा देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्राइसिस है ये चाइना से दूरी करके जो जो अब इमरान खान ने की, जो सऊदीया से दूरी करके, अमेरिका से दूरी करके और आईएमएफ से दूरी और नाराजगी पैदा करके, ये क्राइसिस नहीं हल होना था, इसको हमने हल किया है, वो गैप्स हमने फिल किए और हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे। दुनिया में रिसेशन है, हम याद रखें कि दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, रिसेशन है, उसका भी इम्पैक्ट है। ठीक है आलिया साहिबा, आप हुकूमत ये कहती है कि तबाही आपने फैलाई, बारूदी सुरंगें आपने बिछाई, अब बैठ के आप मुआशी माहिरीन से बातचीत करते हैं, उसे पब्लिक करते हैं और फिर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम धरते हैं कि ये सारा कुछ तो हुकूमत कर गई है, तो 6-7 माह पहले के आपके इकदाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू यासिर। यासिर सबसे पहले तो मैं कहूंगी ना, ले आए सब कुछ, डाल दें इमरान खान के ऊपर सब कुछ। जो आज अद्वियात का बहरान है वो भी इमरान खान का पैदा किया, जो आज गैस का बहरान है, तवानाई का बहरान है, सूबों को शेयर नहीं मिल रहा, महंगाई तारीखी सतह के ऊपर है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं है, इम्पोर्ट बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, मुल्की असासे मार्केट वैल्यू से ज़्यादा चौक में इश्तहार लगाकर ये बेच रहे हैं। और जिस IMF की ये बात कर रहे थे ना, ज़रा उसकी स्टोरी भी मैं सुना दूँ। इसहाक डार एक दफ़ा कहते हैं IMF नॉर्मल बिहेव करें, एक दफा कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट द IMF, तीसरी दफा कहते हैं मेरा तो 25 साल का तजर्बा है IMF से डील करने का, फिर कहते हैं IMF मुझे शक की निगाह से देखता है। भाई एक दफा फैसला कर लें, इमरान खान ने डील खराब की है या मिफ्ता इस्माइल या जो है इसहाक डार कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज, आदत है ना इनकी, 24 घंटे बिजली आती थी, आज बिजली इतनी महंगी हो गई है कि कोई खरीद नहीं सक रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, कारोबार खत्म हो गया है, सनतकार खाम माल मंगवा नहीं सकता, कमर्शियल बैंकों से डॉलर्स गायब हैं, अवाम दो वक्त की रोटी को तरस गई है। लेकिन यहाँ पर इनकी कहानी क्या है, इमरान खान, वही वाली बात है, डाले सारा कुछ इमरान खान पे, कैसे डालेंगे, क्योंकि उसके वक्त के अंदर तो ये सूरत हाल नहीं थी, उसके वक्त के अंदर तो सूरत हाल ये थी कि आज जो वो GDP 6% पे छोड़ के गया था, 0.5 से 1 पर लेकर आया है, जो शरह सूद वो 10% पर छोड़ कर गया था, अब 16% पर लेकर आ गए हैं, जो महंगाई वो 12% पर छोड़ के गया था, अब 30% पर लेकर आ रहे हैं, जो डॉलर वो 179 पर छोड़ कर गया था, 250 में भी इस वक्त LC नहीं खुल रही है, जो पेट्रोल और डीजल आप जो है तकरीबन कोई 75 से 100 रुपए फी लीटर महंगा कर चुके हैं, आटे की इस वक्त सूरत हाल यह कि 5,000 रुपए का जो है मन आटा इस वक्त मिल रहा है।